दोस्तों नमस्कार। अभी का जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो DSSSB से है। दिल्ली में जो वैकेंसी आई थी फिर से विड्रॉ कर लिया गया था और उसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बोला था कि 21 सितंबर को आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ये विड्रॉ किया गया और अतिथि शिक्षकों का क्या मामला है, उसमें वरीयता देने की क्या बातें हुई है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि आज की न्यूज़ में आई है। तो दोस्तों ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है, आज का दिल्ली का एडिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की भर्ती का मामला फिर लटकता दिख रहा है। आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को यह नहीं बताया कि नियमित शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया दोबारा से कब शुरू होगी। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों के खाली पदों को भरने में अतिथि शिक्षकों को वरीयता देने के बाबत विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास विचाराधीन है। इस पर निर्णय होने तक भर्ती पर अस्थायी रोक जारी रहेगी। जस्टिस एके चावला के समक्ष शिक्षा निदेशक सौम्या गुप्ता ने हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने हाईकोर्ट के 21 सितंबर के आदेश पर यह हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने उनसे यह बताने को कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया दोबारा कब से शुरू होगी। आगे है इसमें कि अतिथि शिक्षकों को अतिरिक्त अंक देने का प्रस्ताव। तो अब जो नया प्रस्ताव है उसमें हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामा में यह कहा गया है कि नियमित शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए होने वाले परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 0.75 और अधिकतम 2.25% तक अंक देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2012-13 से 2015-16 में 120 दिन कार्य करने वाले अतिथि शिक्षक को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। शिक्षकों को कितने फीसदी अंक अतिरिक्त मिलेगा इसका बात इस पर निर्भर करेगा कि वो कितने वर्षों से कार्यरत हैं। हलफनामा में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अतिरिक्त अंक देने के बारे में प्रस्ताव उपराज्यपाल के समक्ष लंबित है। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि LG ने सारे स्कूलों में काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिल गई है और बाकी जो उन्होंने मांग किया था अतिथि शिक्षकों को वरीयता देने के लिए मार्क्स में, अंक में, तो उस पर जो है अभी बातचीत चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती निकली थी। हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2017 के आदेश के बाद DSSSB ने 7 अगस्त को दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए 8,914 और तीनों नगर निगम के स्कूलों के लिए 5,906 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली निकाली थी। तो ये दोस्तों पूरी बातें, पूरा मामला यहाँ पे न्यूज़ में आया है जिसमें कि अतिथि शिक्षकों को वरीयता देने का प्रस्ताव है, लेकिन आगे कब DSSSB की वैकेंसी आएगी उसके बारे में यहाँ पे और डिले कर दिया गया है। तो यही न्यूज़ अपडेट था दोस्तों। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।